सुनोटा वाले गुरु महाराज कृपा उन पे बनी रहे। धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है उद्बोधन का क्रम बीच हो जाए, लेकिन हम बहुत संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुआ 136 जोड़ों का विवाह और 18 का निकाह, ढोल धमाकों के साथ निकाली गई सामूहिक बारात। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगर पालिका परिषद द्वारा मंगलवार को त्योदा रोड स्थित पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 156 जोड़े थे, जिनमें से 138 जोड़ों का विवाह पंडित केशव शास्त्री के द्वारा विधि विधान से कराया गया। वहीं 18 जोड़ों का निकाह शहर काजी बारी भाई के द्वारा कराया गया। वहीं सरकार की ओर से मिलने वाली 49,000 रुपये की राशि और प्रमाण पत्र कार्यक्रम में मौजूद मंचासीन अतिथियों के द्वारा वरवधू के भेंट किए गए। शहर की सड़कों में 138 दूल्हों की सामूहिक बारात लाल परेड मैदान से शुरू हुई, जो जय स्तंभ से होते हुए त्योदा रोड स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी पहुंची। इस सामूहिक बारात में वरवधू के परिजनों के अलावा पूर्व विधायक निशंक जैन हरि सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, समाज सेवी कांति भाई शाह, राजेश तिवारी सहित शहर के अनेक सामाजिक संगठन के सदस्य शामिल हुए। बारात का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव ने अपनी परिषद के सभी पार्षदों के साथ मिलकर दूल्हों और बारातियों का स्वागत किया। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर विवाह की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। हमारे बीच पूर्व विधायक निशंक जी जैन आ गए, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बैठिए आज तक। ये जो आज निकाह और शादियां जो ये मंच कराने जा रहा है, मैं अपनी तरफ से और इन जनप्रतिनिधियों की तरफ से उनके भरपूर शुभमें। सुनोटा वाले गुरु महाराज कृपा उन पे बनी रहे। धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है उद्बोधन का क्रम बीच हो जाए, लेकिन हम बहुत संक्षिप्त में। और मेरा एक अनुरोध पंडित जी से है, जब पंडित जी आप वचन करवाएंगे और एक मौलवी साहब से कि जब वो निकाह कराएंगे तो एक वचन आप दूल्हा से लें और एक वचन दुल्हन से लें। दूल्हा से वचन लें कि वो नशा नहीं करेगा और दुल्हन से वचन लें कि यदि ये नशा करके आएगा तो आप 3 दिन तक रोटी नहीं देंगे। एक बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कार्य किसी एक के करने से नहीं होता। और मार्गदर्शन क्या, हम तो सब ही वरिष्ठ है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वरवधू को आशीर्वाद दिया। देखिए, आज मैं सबसे ज्यादा यदि किसी कोई बधाई का हकदार है तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हैं। इसके पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा 25,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान में दिए जाते थे, और पैसे नहीं दिए जाते थे, सामान दिया जाता था। मगर हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने उस शादी को 51,000 रुपए किए राशि को, और कहा कि खरीदी में जो भाजपाई नेता दलाली करते थे वो नहीं चलेगा, वो पैसा 48,000 रुपए बच्चियों के सीधे खाते में जाएगा। और उसी के तहत आज पूरे प्रदेश में बच्चियों के खाते में 48,000 रुपए जा रहा है। आज जिन बच्चियों की शादी हो रही हो उनको बधाई, जिन बच्चों की शादी हो रही हो उनको बधाई, उनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और वह नशे से दूर रहे बच्चे। यही मेरी शुभकामना है, यही हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की शुभकामना है।